हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप अंडर 19 जो कि शुरू हुआ है 5 सितंबर से, और पाकिस्तान टीम जो कि अंडर 19 उसमें से बाहर हो चुकी है। क्यों बाहर हो चुकी है? क्योंकि भारत से जो है इबरतनाक शिकस्त हासिल करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है अब एशिया कप अंडर 19 से बाहर हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, साथ में कॉमेंट करना है पाकिस्तान की एशिया कप अंडर 19 के हवाले से इस परफॉर्मेंस को, और वीडियो को हो सके तो आपने इतना शेयर करना है कि पीसीबी के हुकाम तक ये वीडियो कम से कम पहुंचे, क्योंकि वो एक्शन लेने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, क्योंकि पीसीबी जो है इस वक्त सोया हुआ है और इजाज़ अहमद जो कि नए कोच हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की जो है इस वक्त जो सूरत हाल है, 5 सितंबर को शुरू हुआ और पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हुआ, जिसमें अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हराया। अफगानिस्तान ने 162 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान के ऊपर में, जो कि पाकिस्तान अंडर 19 ये टोटल चेज करने में भी नाकाम रहा। 78 रन के ऊपर पाकिस्तान अंडर 19 की टीम ढेर हो गई। फिर उसके बाद जो आज जो मैच खेला गया पाकिस्तान और भारत का मैच, उसके अंदर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बैट्समैन थे उनके हाथ पांव फूलते हुए नजर आए। सिर्फ और सिर्फ जो कैप्टन थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त गेंद खेली, जो है लजीज, जिन्होंने 117 रन बनाए 12 फोर्स एंड 3 सिक्सेस की मदद से 108 का स्ट्राइक रेट था। सिर्फ एक ये वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, उसके अलावा हारिस खान थे, 43 रन उन्होंने स्कोर किए, 2 बाउंड्रीज, 1 सिक्स लगाए 81 का स्ट्राइक रेट से। मगर जो भारत का जो स्कोर था वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का स्कोर था, 305 के ऊपर में 9 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर में अपने मुकर्रर ओवर में उन्होंने स्कोर बनाया। पाकिस्तान की टीम ये टोटल चेंज करने में बिल्कुल नाकाम रही और पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई 245 रन में। और अगर बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग के अंदर भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स हैं वो सिर्फ नसीम शाह के अलावा और कोई अच्छा बॉलर नज़र नहीं आया। नसीम शाह 10 ओवर में 52 रन देके 3 विकेट हासिल किए। उसके अलावा अगर बात करें तो पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भी नसीम शाह ने बहुत ही अच्छी और तगड़ी बॉलिंग करी थी। तो दोस्तों, पाकिस्तान की 60 रन से जो है ये मैच जो है अब हार चुका है और इसके साथ ही एशिया कप से जो है बाहर हो गया है। मजीद पाकिस्तान का एक मैच अब कोई के साथ बाकी है, देखना ये होगा कि पाकिस्तान वो मैच जीतने में कामयाब होता है या नहीं। तो दोस्तों, आपने इस हवाले से ज़रूर कमेंट करना है पाकिस्तान की इतनी बुरी परफॉर्मेंस का जिम्मेदार कौन है, नए कोच एजाज अहमद या सोए हुए हैं या मैनेजमेंट सो रही है, इसको जिम्मेदार जो है आप सब ठहराएंगे। आप सब ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।